Sky Skyline. चल ठंड, हाँ मतलब इतनी ठंड नहीं थी स्टार्टिंग में, लेकिन ज्यादा लंबा खड़े रहो तो ठंड है। कैंटकी से ओहायो रिवर का व्यू देखा था, अभी हम जा रहे हैं ओहायो में, यानी सिनसिनाटी का थोड़ा सा हाइट पर है वो। हम लोग ओहायो से शिकागो जा रहे थे, तो इंडियानापोलिस में रास्ते में पड़ता है, और यहाँ पर हमने एम्बर रेस्टोरेंट या तो आप मुझे दिखा लो, ये सीन तो मैं बाद में भी ऐड कर सकती हूँ, फिर बाद में बोलोगे तू तो दिख नहीं रही। कुछ स्ट्रीट फूड भी होता है, बहुत सारी वैरायटीज कंबाइन करके। बस अभी नेक्स्ट डे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से चेकआउट करेंगे। तो हमारी कैंटकी ट्रिप पार्ट वन और पार्ट टू के वीडियोस में आपने देखा होगा, हम लोग शिकागो से पहले कैंटकी गए और यहाँ पर नेक्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, ठंड की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाए। तो कल तो बस खाना वाना खाने के लिए बाहर गए थे, बहुत ज़्यादा कहीं जा नहीं पाए क्योंकि मौसम नहीं था, लेकिन आज हम लोग बाहर भी जा रहे हैं और आज ही हम लोग वापस शिकागो के लिए भी निकलेंगे। क्या शानदार मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग है क्या। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं उस जगह पे जहाँ से ओहायो रिवर निकल रही है। तो अभी कैंटकी से अब हम मूव कर रहे हैं, जैसे ही रिवर क्रॉस होगी हम लोग लैंड करेंगे ओहायो। तो यहाँ से आपको पूरी सिटी नज़र आ रही होगी, ये न्यूपोर्ट सिटी है, कैंटकी स्टेट में न्यूपोर्ट सिटी है, और यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे जहाँ पर आपको रिवर दिखेगी। कई बार हम लोग ना दोनों स्टेट्स को क्रॉस करेंगे, यानी अभी तो हम लोग कैंटकी से ओहायो की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसी रूट पे आपको दिखाई देगा हम लोग दोबारा से फिर ओहायो से फिर से एक बार कैंटकी में आएंगे, और फिर शिकागो जाने के लिए हम दोबारा कैंटकी से अगेन हम लोग जाएंगे ओहायो। तो ऐसे दो तीन बार हम लोग दोनों स्टेट्स के बीच में टॉगल कर रहे होंगे। तो मैं अभी जा रही हूँ उस रिवर के पास में, ओहायो रिवर जो हमने देखी, सिनसिनाटी का जो डाउनटाउन दिख रहा है अमेजिंग, बहुत प्यारा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो रिवर है, ये रिवर है ओहायो रिवर, और ये दो स्टेट्स के बीच में आती है। जिस साइड में मैं खड़ी हूँ वो स्टेट है कैंटकी, और दूसरी तरफ है ओहायो स्टेट। अभी वहाँ हम लोग जाएंगे सिनसिनाटी, यानी ओहायो में, ओहायो की कैपिटल है सिनसिनाटी। तो जो डाउनटाउन आपको दिखाई दे रहा है, जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ऊंची ऊंची, ये बिल्डिंग्स हैं सिनसिनाटी डाउनटाउन की। तो उस जगह पर भी जाएंगे, और ये है न्यूपोर्ट सिटी का डाउनटाउन। तो कितना क्लीन है, रोड्स भी एकदम क्लीन नज़र आ रही हैं, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई हैं, यानी इनका आर्किटेक्चर बहुत ही अपीलिंग है। तो बहुत ही सुंदर सुंदर सा डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ से अब चलते हैं आगे की तरफ। ठंड ज़्यादा भी नहीं है इस टाइम पर, आज थोड़ा सा टेम्परेचर बेटर है, कल बहुत ठंड थी। कल तो हम लोग कहीं भी नहीं गए क्योंकि कल बहुत तेज़ ठंड थी, हम लोग सारा दिन होटल में ही रुके, बस रात को खाना वाना खाने गए थे। और आज बहुत अच्छा मौसम है, मतलब आज हम घूम सकते हैं, ऐसे ठंड नहीं है, तो आज का वेदर अच्छा है, इसीलिए हम लोग बाहर निकल आए। अदरवाइज हमें लग रहा था कि पता नहीं इतनी तेज़ ठंड में कहाँ जाएंगे, ऐसी कोई जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, बाहर से डाउनटाउन भी कैसे कवर करेंगे। तो डाउनटाउन में ही ये जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, और ये बहुत ही सुंदर तरीके से बनी हुई है। साथ ही में यहाँ से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर टेरेस गार्डन जैसा बना हुआ है, और वहीं पर स्विमिंग पूल भी है। तो अच्छा लग रहा है, एरिया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से अभी आगे चलते हैं, ये यहाँ पर मॉल है जहाँ पर एक्वेरियम भी है, बट अंदर तो यहाँ नहीं जाएंगे मॉल में, बट यहाँ से आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ से ओहायो रिवर भी बहुत अच्छे से नज़र आएगी, और साथ ही में क्रॉस करके नहीं, ओहायो रिवर के दूसरी तरफ ओहायो स्टेट है और उसकी सिनसिनाटी सिटी है, कैपिटल है सिनसिनाटी ओहायो की, तो वो दिखाई देगा, उसका डाउनटाउन दिखाई देगा, और डाउनटाउन में जो सिनसिनाटी का स्काईलाइन बन रहा है, यानी जो मैंने बताया आपको बिल्डिंग्स से जो स्काई में लाइन बन रही होती है उसको स्काईलाइन बोलते हैं, तो वो स्काईलाइन भी यहाँ से नज़र आएगा। मॉल है, इस ब्रिज से क्रॉस किया, गाड़ी के लिए हाँ हाँ, अभी गाड़ी वाड़ियाँ भी नहीं आ रही है, ठंड लग रही है,
तो तुम लोग जैकेट क्यों नहीं पहन कर आए हो? बट इतनी भी ज्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज्यादा देर खड़े रहने की हिम्मत नहीं है, चलते। ठंड, हाँ मतलब इतनी ठंड नहीं थी स्टार्टिंग में, लेकिन ज्यादा लंबा खड़े रहो तो ठंड है, बहुत देर तक बाहर नहीं रह सकते। नहीं चलो बेटा, नहीं लेकिन कल के कंपैरिजन में आज रेस्टोरेंट में बेटर है, इटालियन रेस्टोरेंट थी। अब वापस हम लोग ब्रिज क्रॉस करेंगे और ब्रिज क्रॉस करके कैंटकी से जाएंगे ओहायो। इस हिल पर जा रहे हैं हम लोग। हाँ हम लोग जा रहे हैं इस हिल पर। तो अभी जो हमने व्यू देखा था वो देखा था कैंटकी से ओहायो रिवर का व्यू देखा था। अभी हम जा रहे हैं ओहायो में, यानी सिनसिनाटी का थोड़ा सा हाइट पर है वो एरिया, वहां जाएंगे और वहां से ओहायो रिवर का लुक देखेंगे। तो अब हम जा रहे हैं इस हिली एरिया पर। ये हिली एरिया है और यहाँ पर जो घर बने हुए हैं वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे इंडिया में मनाली में घर नहीं बने होते हैं, उसी स्टाइल में घर बने हुए हैं। और यहाँ हमने देखा, नॉर्मली हमें जहाँ पर हम रहते हैं शिकागो में, वहाँ इस तरह के कलरफुल घर देखने को बहुत कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जो घर दिख रहे हैं सभी अलग अलग तरह के डिज़ाइन के दिख रहे हैं। सब मतलब थोड़ा पुराना डिज़ाइन ज़रूर है लेकिन अलग अलग कलर्स में घर दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमने यहीं पर देखा है, यूजुअली जो घर होते हैं वो एक जैसे कलर के ही होते हैं, बट यहाँ सब अलग अलग घर अलग अलग कलर्स में घर बने हुए हैं। तो ये लोग बातें करते करते हम लोग पहुँच नीचे जाके लेते हैं पर आ गए हैं जहाँ पर हम लोग जाने वाले थे। तो इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ से सिनसिनाटी का पूरा शहर नज़र आता है और यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा है सिनसिनाटी। देखिए बिल्डिंग पर लिखा हुआ है सिनसिनाटी। ये है यहाँ का प्राइम विस्टा के नाम से इटालियन रेस्टोरेंट, जो कि बहुत ही फेमस है, ये टूरिस्ट स्पॉट है, लोग यहाँ पर आते हैं। और रीज़न ये आने का क्योंकि यहाँ से इतनी हाइट से आपको पूरा सिनसिनाटी के डाउनटाउन का व्यू मिलता है। The food, the view. हाँ, हमारा कवर हो गया है पूरा व्यू डाउनटाउन का और अब हम निकलते हैं शिकागो के लिए, क्योंकि शाम के 4 बज रहे हैं, 6 घंटे का अभी लंबा सफर है, 6-7 घंटे लग जाएंगे, तो पहुंचते पहुंचते लेट नाइट हो ही जाएगी। ओहायो से शिकागो की तरफ जाते टाइम रास्ते में ओहायो में हमें क्रोकर दिखा, तो क्रोकर US का सेकंड नंबर का बड़ा रिटेलर है आफ्टर वॉलमार्ट। क्रोकर हमें शिकागो में देखने को नहीं मिला, मतलब हमने एक दो बार सर्च किया लेकिन क्रोकर हमें कहीं पर भी शिकागो में नहीं दिखा, तो इसलिए हमें लगा चलो देखते हैं क्या नया है यहाँ पर और आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि ये हर जगह नहीं देखने को मिलता है लेकिन सेकंड नंबर का बड़ा रिटेलर है। गाला एप्पल्स 99। तो हम लोग हमेशा जो एप्पल्स लेते हैं वो गाला एप्पल ही लेते हैं और यहाँ पर हमें बहुत सही डील में दिखाई दिया, तो यहाँ से हम घर की ग्रोसरी भी कर रहे थे। ये ऑर्गेनिक का पूरा सेक्शन है। सैंडविचेस बनाने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है ब्रेड लेकर के आओ, सब्जी डालो और ये काम है। चलो ब्रेड जाना सब वही चीज़ें हैं जैसे वॉलमार्ट में भी, अगर आप ब्रांड ले रहे हो तो वो ब्रांड आपको वॉलमार्ट में मिल जाएगी, लेकिन हाँ इनका अपना खुद का भी, क्योंकि क्रोकर ब्रांड है तो कई सारी चीज़ों में इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी है। जैसे वॉलमार्ट का अपना ब्रांड है ग्रेट वैल्यू के नाम से, तो ऐसे क्रोकर का भी अपना कुछ आइटम्स हैं, इनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग भी है, तो वो आइटम्स क्रोकर के नाम से हैं। तो बस नॉर्मल है वैसा ही जैसे वॉलमार्ट में है, तो यहाँ से कुछ सामान लेना था वो लेकर के अब हम लोग आगे निकल रहे हैं। एम्बर इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ पर हम लोग बहुत पहले आए थे, करीब 5-6 साल हो गए, तो करीब 6 साल बाद हम इस रेस्टोरेंट में आ रहे हैं।
6 साल पहले हमने पहली बार यहाँ पर खाना ट्राई किया था और हमें बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद हमारा दोबारा कभी चांस नहीं बना यहाँ आने का। हम लोग वहाँ से शिकागो जा रहे थे तो इंडियानापोलिस में रास्ते में पड़ता है और यहाँ पर हमने एम्बर रेस्टोरेंट किया था। तो मुझे भी खा लो ये सीन तो मैं बाद में भी ऐड कर सकती हूँ। फिर आने वाले को तू तो दिख नहीं रही। यहाँ पर हम आए तो हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। 6 साल पहले, करीब 6-7 साल हो गए हैं, 6-7 साल पहले मेरे ब्रदर लॉ यहाँ पर रहते थे इंडियानापोलिस में। तो तब हम लोगों ने यहाँ पर एम्बर रेस्टोरेंट में खाना ट्राई किया था। हमें बहुत पसंद आया था क्योंकि ऐसा खाना, यानी कुछ चीज़ें स्पेसिफिक थी जो हमें यहीं की पसंद आई थी और शिकागो में हमें कभी मिली नहीं थी। तो पहली बार हमने यहाँ खाना ट्राई किया तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम लोग जब ओहायो से आ रहे थे, रास्ते में इंडियानापोलिस पड़ा तो यही सोच करके ही चलो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, यहाँ पर होते हुए जाएंगे। तो हम लोग यहाँ रुके और यहाँ का खाना ट्राई कर रहे हैं। पहली बार जब हम आए थे तब तो खाना बहुत टेस्टी था। अभी स्टार्टर हमें मिला है, हमने स्टार्टर ही केवल खाया है। 6 साल पहले आए थे तो जो हमने ट्राई किया था उस टाइम पर बफे था। मॉर्निंग टाइम पर आए थे हम लोग, लंच टाइम पर आए थे तो लंच टाइम पर बफे था। उसमें बहुत सारी वैराइटीज़ थी, मतलब गोलगप्पे थे और रसम, वड़ा, इडली सांभर, साउथ इंडियन वैराइटीज़ थी, नॉर्थ इंडियन वैराइटीज़ थी, तो काफ़ी सारा था। इवन चपाती, नान, ऐसे बहुत सारी वैराइटीज़ थी। अभी हम लोग आए हैं तो लंच टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट डिनर टाइम हो गया है। तो इस सब में बफे नहीं होता। पता नहीं आप लोगों ने इंडिया में सुना है कि नहीं सुना है कि रेस्टोरेंट्स में बफे का कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पर US में ज़्यादातर इंडियन रेस्टोरेंट्स में बफे का कॉन्सेप्ट होता है। तो लंच टाइम पर अगर हम आते हैं तो पूरा बफे होता है, पूरा ऑर्गेनाइज होता है, डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं। हाँ, यूजुअली वीकेंड्स पर होता है, लंच नहीं हमेशा होता है, वीकडेज में होता है। तो पूरा बफे होता है। बफे का मतलब जैसे $15 में, $15 में पर पर्सन होता है, उसमें काफ़ी वैराइटीज़ होती हैं। तो आपकी प्लेट पूरी फुल होती है, स्वीट्स भी होंगी और स्टार्टर्स भी होता है, जैसे बहुत सारी वैराइटीज़ कंबाइन करके वो बफे बनता है। तो पर पर्सन चार्जेस होते हैं लेकिन उसमें वैराइटीज़ बहुत होती हैं। अभी है कि हम लोग डिनर टाइम पर आए हैं तो बफे तो नहीं है, तो हम लोगों ने ऑर्डर किया जो भी हमें खाना है, हम लोगों ने वो ऑर्डर किया है। तो स्पेसिफिक चीज़ें आएंगी, उसके चार्जेस अलग उस हिसाब से होते हैं। तो इंडियन फूड केवल इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है या इंडियंस तक ही लिमिटेड नहीं है। इनफैक्ट अंग्रेज़ में ना इंडियन फूड बहुत पसंद करते हैं और यही चीज़ हमने नोटिस करी जब हम वॉलमार्ट में जाते हैं और फ्रोज़न सेक्शन में ना वहाँ पे वैराइटीज़ आजकल देखने को मिलती हैं। पनीर मखनी, दाल मखनी, ऐसे वैराइटीज़ ये फ्रोज़न में रखा रहता है और अंग्रेज़ों को बनाना तो आता नहीं है, तो वो लोग लेकर के जाते हैं, वार्म अप करते हैं, माइक्रोवेव करते हैं और खाते हैं। तो उससे पता चलता है कि इंडियन फूड का क्रेज़ केवल इंडिया में नहीं है या केवल इंडियंस के बीच में नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वाइड है। बाहर भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमें इंडियंस में केवल हम ही अकेले नज़र आ रहे हैं, बाकी सारे अंग्रेज़ हैं। या तो ये है कि अभी डिनर टाइम एक्चुअली शुरू नहीं हुआ। इंडियंस का यूजुअली डिनर टाइम 7-8 बजे के बाद शुरू होता है, इन लोगों का 7-8 बजे तो दिन एंड हो जाता है। तो इंडियंस आएंगे तो थोड़ा सा लेट आएंगे, बट अभी भरा हुआ, अभी जितने भी लोग हैं ज़्यादातर अंग्रेज़ ही हैं। खाने में बहुत चेंज नहीं हुआ है, वैसा ही ऑलमोस्ट पहले जैसा ही लगा। और अब हम यहाँ से खाना वाना खा पी के काफ़ी रात हो गई है, अब निकल रहे हैं शिकागो के लिए, जो अभी भी 4-4.5 घंटे की ड्राइव हमारी बाकी है, तो वो कवर करनी है। और अभी चेक किया तो मालूम चला कि थोड़ा सा स्टॉर्म वार्निंग भी है, यानी शिकागो जब तक पहुँचेंगे, मिडनाइट में सुना था कि स्टॉर्म शुरू होगा, तो देखते हैं कितना स्टॉर्म है। बट ये है कि हम लोग जब तक शिकागो पहुँचेंगे तब तक स्टॉर्म शुरू हो चुका होगा। सबकी अपनी अपनी खासियत है, लेकिन शिकागो का डाउनटाउन सच में बहुत सुंदर है और जो स्काईलाइन बनता है बिल्डिंग्स का ना, शिकागो का जो स्काईलाइन है वो शायद सबसे प्यारा है। स्काई न्यूयॉर्क का भी स्काईलाइन बहुत सुंदर है लेकिन मुझे लगता है शिकागो से बेटर नहीं है। आपने कई शहर देखे होंगे, यहाँ पर हम लोग US में कई जगह आपको लेकर गए इसी वीडियो में, यानी जो सीरीज चली इसी में 3 स्काईलाइन आपने देखे। सिनसिनाटी स्काईलाइन देखा आपने, इंडियानापोलिस का स्काईलाइन देखा, शिकागो का स्काईलाइन देखा, और पक्की बात है जो शिकागो का स्काईलाइन है उसके बराबर बाकी कोई नहीं लगा होगा। तो बहुत ही सुंदर है, बिल्डिंग्स इतनी सुंदर लगती है रात में चमकती हुई, जगमगाती हुई सी। तो शिकागो स्काईलाइन भी आपने देख लिया और रात के टाइम पर देखा जब इतनी लाइटिंग से और इतना सुंदर लग रहा है। तो चलिए, अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट जरूर करिएगा
और वीडियो को लाइक भी करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें, और निश्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।